भिवाड़ी में बीड़ा कार्यालय पर दिव्यांग 15 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज मंगलवार को 16वें दिन भी बीड़ा कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। दिव्यांगजनों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लगातार 16 दिनों से बीड़ा कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है और न ही उनके दिए हुए ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है। बीच में एक बार बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान को उन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन बीड़ा अधिकारी ने भी उनकी एक ना सुनी और उन्होंने मांगों पर विचार करने से मना कर दिया। इधर अधिकारी उनकी अनेक मांगे उच्च अधिकारियों व सरकार तक नहीं पहुंचवा रहे हैं और सभी दिव्यांग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिव्यांग अमर सिंह ने बताया कि भिवाड़ी में सैकड़ों दिव्यांग हैं जिनके पास ना तो रोजगार है और ना ही कोई कमाई का जरिया है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं और ना ही उनको सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिल पा रहा है। उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। निजी कंपनियों में नौकरी के लिए उन्हें 4% तक आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन भिवाड़ी में दिव्यांग को कोई भी नौकरी नहीं देता है। गत 21 अगस्त को भी दिव्यांग ने बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान को एक ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन आज तक भी उनकी मांगों पर ना तो कोई विचार हुआ और ना ही उन्हें कोई आश्वासन दिया गया। अमर सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना सहित अनेक योजनाओं का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनकी मांग है कि दिव्यांगजनों को प्राइवेट कंपनी या सरकारी कार्यालय में नौकरी दिलवाई जाए, दिव्यांगजनों को बैटरी ट्राईसाइकिल, उनके रहने के लिए आवास, सभी सरकारी टेंडर में दिव्यांग ठेकेदार को 1 साल से कम 2 टेंडर दिलवाने और दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बैकलॉग रिक्त भर्तियों को भरने की मांग की गई है। दिव्यांगजनों ने चेतावनी देते हुए बताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक बीड़ा कार्यालय के सामने उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। साथ ही भिवाड़ी के सैकड़ों दिव्यांगजन सहित अन्य लोग अब उनके धरने में शामिल होंगे और एक विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए बीड़ा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। धरने पर बैठी सविता देवी ने बताया कि वो अपने बच्चों को लेकर गत 16 दिनों से बीड़ा कार्यालय पर धरने पर बैठी हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये अधिकारी ऑफिसों में एसी कमरों में बैठे रहते हैं। गरीबों की इनको कोई चिंता नहीं है। इनके पास ना तो कोई रोजगार है और ना ही उनको कोई नौकरी दे रहा है। उनके बच्चे भी भूखे सोते हैं। भिवाड़ी में ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों दिव्यांग हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर 1 या 2 दिन में उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अपने बच्चों के साथ बीड़ा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगी और बीड़ा कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा। बीड़ा सीईओ को कार्यालय में नहीं घुसने दिया जाएगा। हमारी 6 मांगे हैं, मुख्य 2 मांगे हमारे दिव्यांगजनों की, सभी जो दिव्यांगजन है उनकी 6 मांगे है। 2 मांग ये है कि जैसे दिव्यांगजनों को गवर्नमेंट की जो योजना है राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार की, जो स्कूटी विकलांगों के लिए स्कूटी देना, वो हमारे दिव्यांगजनों को किसी को स्कूटी नहीं मिली है यहाँ पे। और जो कोई ऐसे विकलांग है जो स्कूटी नहीं चला सकते उनको जो एंट्री वाली ट्राई साइकिल है वो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। और फिर रोजगार की मांग है, जैसे हमें यहाँ पे 5-6 हज़ार कंपनियां हैं भिवाड़ी के अंदर, हमें दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण है कंपनियों के अंदर, तो कंपनियों में रोजगार दिलाने की इनकी होनी चाहिए जो हमारी मांग पूरी कर सके, ये हमारी मांग है। आपको कितने दिन हो गए धरने पे बैठे हुए? हमें आज धरने पे बैठे हुए 16वां दिन है। किसी अधिकारी से आपकी कोई बात हुई? आपने कोई ज्ञापन किसी को दिया? हमने ज्ञापन दिया था पहले तो सीओ जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है बीड़ा, उनको हमने ज्ञापन दिया। हमने 7 दिन का उनको टाइम दिया था। 7 दिन के बाद उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने धरना देने की जो हमने जो बात बोली थी हमने फिर धरना दिया चालू किया 28 तारीख से आज तक। अभी तक एक बार मैडम सीओ ने हमें बुलाया था और वो बात हमारे उनको बोला कि हम आपकी मांग पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये मांग हमारे अंडर में नहीं आती है, हम आपकी ये मांग नहीं पूरी कर सकते। तो अभी कहीं और दूसरे अधिकारी से मिलने का कोई आपका प्लान है? हमारा अभी प्लान है जो हमारे यहाँ पे अतिरिक्त जिला कलेक्टर है भिवाड़ी के अंदर एडीएम साहब, उनसे मिलने हम उनके पास ये मांग रखेंगे। अभी अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो ये धरना कितने दिन तक चलेगा और आगे क्या रणनीति आप लोगों की बनेगी? हमारी ये रणनीति रहेगी यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन के जितने भी हमारे दिव्यांगजनों के प्रियोजन हैं उनको यहाँ पे इकट्ठे करेंगे और एक विशाल रैली का भी आयोजन करने का हमारा विचार है। हम 16 दिन से धरना कर रहे हैं, 17वां दिन आ गया तो जैसे कि हम दिव्यांग हैं, हमारे लिए यही मांग है कि हम
बेटा के वाले हैं ना, घर से भेज घर हो रहे ना, हम कुछ पढ़ के निकाल सकते हैं, बच्चे हमारे ऐसे ही हैं, विकलांग वैसे हम उनका पेट भी नहीं भर सकते। यही मांग है हमारी, हमारी मांगे सब पूरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो क्या आप तक नहीं पहुंच रही हैं? नहीं नहीं पहुंच नहीं रही है, अभी तक सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा की सुनवाई हो रही, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, झूठी बात नहीं सारी। तो आप लोगों के जो बच्चे हैं वो किस तरह के और किस टाइप के स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कोई प्राइवेट स्कूलों में है, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं? नहीं, सरकारी में है बच्चे हमारे, एक दो बच्ची हैं, एक लड़की विकलांग है उनमें से, दोनों सरकारी में पढ़ रहे हैं। अभी आपकी किस, अभी आपकी किसी अधिकारी से कोई बात हुई हो? नहीं जी, अधिकारी से तो अंदर से बात हुई थी, उन्होंने उस दिन 7 तारीख का टाइम दिया, 7 दिन का, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं थी। आज 16-17 दिन हो गया हमें। भिवाड़ी में ऐसे कितने लोग हैं दिव्यांगजन जो जिनको सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं? ये सोचा कि हमें नहीं मिली तो और किसे मिल रही, किसी को भी नहीं मिल रही यहाँ तो। अगर मान लो कोई अधिकारी आप लोगों की मांगों को नहीं मानता है, आज के दिन में पूरी नहीं होती है, भविष्य में पूरी नहीं होती है, तो ये आंदोलन आपका कितना बड़ा चलेगा, कब तक चलेगा और क्या रणनीति आप लोगों की? गांव जाएंगे जी, हम सब कोई इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे पूरा धरना करेंगे। अब तो हम अंदर भीड़ा लगाएंगे, लोग लगा देंगे बिल्कुल, हमको भी अंदर नहीं घुसने देंगे। अच्छा, बीड ऑफिस के आप लोग लोक लगाने का भी प्लान बना रहे हैं? हाँ जी, हम बैठेंगे धरना करके, नहीं मैं ऑफिस में छान रखेंगे तो हम तो दोनों पड़े हैं, हमारा आज खाएगा नहीं आए घर से, भूखे हम यहाँ बैठे रहेंगे, तुम्हारे बच्चा क्या खाएगा? आने का कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे कि तुमने खाना खाया, पानी पिया, तुम कैसे बैठे, बच्चे कहाँ तुम्हारे, कोई हमारी सुनवाई नहीं है यहाँ पे, किसी कमाने अब नहीं है हमारे तो कोई बताओ। कोई अधिकारी आप सभी तक मिला नहीं है? कोई मिला, कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं आया, हम भी परेशान कोई अधिकारी आया अभी, पर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक है, ऐसे वाले सब अपन सुनते हैं, गरीब आदमी कौन सुनेगा हमारी, कोई नहीं सुन रही।